बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज 10 तारीख है और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी 2 दिन से फीवर का चक्कर चल रहा था, तो कल भी मुझे फीवर आ गया था, तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। घर का सारा काम सुबह वाला देखो हो चुका है, 5 बजे से लेकर सारा रूटीन हो चुका है। इलू गई है अपना लास्ट एग्ज़ाम देने के लिए, फिर आज से उसकी भी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। और बस अब क्या करना है तो वापस से नहाना है, क्योंकि सुबह को नहाती हूँ, फिर सफाई वगैरह करती हूँ। फिर अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना फेस को करते हैं, फेस को वॉश करते हैं, थोड़ा सा होममेड फेस पैक लगाते हैं, और फिर नहा करके तैयार होकर के गणगौर को पानी भी पिलाना है। तो ये काम मुझे करना है। और सोच रखा है बीट रूट, मैंने होली के कुछ बनाए थे ना, तो बीट रूट तब का रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि लिप एंड चिक टिंट बना लूँ उससे, 2 इंग्रेडिएंट से वो बन जाएगा फटाफट से, तो वो कर लेती हूँ। एक दो काम और सोच रखे हैं, हो सका तो वो करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने फेस को वॉश करते हैं, फेस पैक लगाते हैं, वापस से नहाते हैं और ये सारा काम करते हैं। तो चलिए अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ मामा अर्थ के हनी मलाई फेस वॉश से। इसे यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई और ये मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हनी एंड मलाई की गुडनेस है, ये मेरी स्किन को जेंटली क्लीन करता है। इसका जो टेक्स्चर है ना बिल्कुल क्रीमी है। इसमें है हनी जो कि हमारी स्किन को प्योरीफाई एंड नरिश करता है, और मलाई जो कि हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है एंड साथ ही साथ हेल्दी ग्लो देती है। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता ही है कि मामा अर्थ हमारी इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। इसके प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं और सभी स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है। और जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम मामाअर्थ से कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं तो दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, क्योंकि 2025 तक इनका एम है कि 1 मिलियन ट्रीज जो है वो प्लांट करेंगे। तो आप भी चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है और बिना ड्राइनेस दिए मेरी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। ज़रा भी ड्राइनेस मुझे फील नहीं हुई है। और इसके बाद इसको लगाने के बाद मुझे और कुछ करने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। जब भी मैं मामाअर्थ के फेस वॉश से वॉश करती हूँ ना तो मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ग्लो करती है और ब्राइटनेस भी आ जाती है। तो बस वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मेरा मन था तो मैंने एक इंस्टेंट सा फेस पैक बना लिया था। राइस फ्लावर लिया है, साथ ही साथ इसमें दही मिला दिया और बस तैयार हो गया। इसको मैं अपने स्किन पे लगा लूँगी, 10-15 मिनट के लिए रखूँगी और रख करके इसको थोड़ा सा रब करके निकाल दूँगी और उसके बाद नहा लूँगी। तो बस इसी तरीके से फेस को थोड़ा सा ऐसे रब करके और निकाल देना है इसे, और फिर अपने फेस को वॉश कर लेना है। बस इसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद एज अ टोनर मैं गुलाब जल ही लगाती हूँ, तो बस गुलाब जल लगाया। इसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र लगाने की स्किन पे, तो मैं लगाने वाली हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ये जो मॉइस्चराइज़र है ना ये नॉन स्टिकी है, तो ये बिना किसी चिपचिप के आपकी स्किन को नरिश करेगा और हेल्दी ग्लो देगा। तो चलिए आपको इसका ना टेक्स्चर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस इसे अपने हाथों पे लेना है और फेस पे लगा लेना है, और आपको बिना चिपचिप के ये बहुत हेल्दी सा ग्लो देगा और आपकी स्किन को नरिश कर देगा। तो अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर मिल जाते हैं, साथ ही साथ अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी मिल जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ लेंगे तो आपको मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट पर 20% ऑफ मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप, वेबसाइट, अमेज़न, नायका एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं, बट दे आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन स्टोर्स नियर यू, यानी कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अब आपके करीबी ऑफलाइन मामाअर्थ स्टोर्स पर भी मिल जाएंगे। तो बस हो जाते हैं तैयार और ये मैचिंग के ईयरिंग्स डाल लेती हूँ। मैच कर रहे हैं ना, और ये भी ना मैंने लॉन्ग जो फ्रॉक है ये बड़े दिनों बाद डाली है, और अब गर्मियाँ आ गई ना तो हाँ अब तरह तरह के कपड़े पहन सकते हैं। सर्दियों में मुझसे कुछ भी नहीं होता ना, तैयार होने का दिल करता, और लिपस्टिक लगाते ही तो जो फेस पे ग्लो आता है ना अच्छा लगता है। और चलते हैं टिंट बनाने के लिए, लेकिन पहले गौर माता को पानी पिला देते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं टिंट। तो ये बीटरूट, बीटरूट को मैंने धो लिया, इसको छील करके एक बार फिर से धो लूँगी और फिर कद्दूकस कर लूँगी। 3 से 4 रखे थे मेरे पास, तो चलिए मैंने सोचा कि
एक टिंट बना लेते हैं, चाहो तो आप लिप बाम भी इससे बना सकते हो। तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया, मिक्सी में भी कर सकते हैं, बस आधा ही मैंने किया था उसमें ही काफ़ी टिंट बनकर तैयार हो गया। तो टिंट में मैं यूज़ लूँगी एलोवेरा जेल और एक मेरे पास विटामिन ई की जो कैप्सूल रखी थी वो रखी थी। तो हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। तो इसको मैंने छान के इसका रस निकाल लिया था। इसी तरीके से आप लिप बाम भी तैयार कर सकते हो, जो कि मैंने बहुत पहले एक बार बनाया था 3 साल पहले। तो मैं 2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल लूँगी और 1 विटामिन ई की जो है ना कैप्सूल डाल दूँगी, मेरे पास रखी थी। रखी हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, एलोवेरा जेल में मिला लो इसको। तो बस इसको मैंने डाल दिया है और बस ये जो इसमें 1 से 2 चम्मच बीट रूट का जूस डाल दूँगी। इसको अच्छे से पहले तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर बीट रूट का जूस डाल के फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर किसी साफ़ कांच की बोतल में भर के रख दो। कांच की बोतल भी मैं वो वाली रखती हूँ जो मेरे फेब्रिक कलर और होते हैं ना, तो उनको धो करके मैं रख लेती हूँ, तो ऐसी चीज़ों में काफ़ी काम आती है। लिप बाम बनाना हो तो बस बीटरूट के जो जूस है ना उसको देसी घी में डाल लो या फिर वैसलीन होती है ना उस पे डाल के मिक्स कर लो, तो आपका लिप बाम बन जाता है। वैसे ये होठों पे भी लगा सकते हैं हल्का हल्का। ये बनकर तैयार हो गया, अब इसको अप्लाई करके बताती हूँ क्या मस्त लगता है यार। ये देखना, ये मेरे पास ड्रॉपर था, वरना आप फिंगर टिप की सहायता से भी लगा सकते हैं लेकर के। ये देखिए, और कोई भी ब्लश लगाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल ब्लश हो गया ना आपका, टिंट बन गया आपका घर पे ही। तो मस्त ही है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ईलू भी मेरी बहुत खुश होती है ऐसी चीज़ों से। तो ये देखिए, ब्लश के जैसे लग रहा है ना, ये कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट ये बहुत अच्छे से, ईलू ने जैसे ही स्कूल से आई ना एग्ज़ाम देखे कि मम्मी आज इतना मेकअप कैसे कर रखा है, लाल लाल कैसे हो रही है, मन का यार मैंने टिंट बनाया घर पे। तो बस वो आ गई थी तो मैंने पराठे बनाए हम दोनों के लिए, दाल के पराठे। और वो क्योंकि स्कूल में मैंने उसको लास्ट एग्ज़ाम था, तो फिर मैंने पास्ता और जो चीज़ें होली के लिए बनाई थी वो चोको पाई और ये सब कुछ दे। तो खाना वगैरह हमारा हो गया था, काम सारा हो गया था और फिर जो है टाइम बचता था, तो मैंने सोचा कि चलो लिख लेते हैं जो जो काम मुझे करने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि मुझे मंदिर का डेकोरेशन करना है, मुझे मेरे पास एक गाड़ी के टायर भी रखे हैं तो उससे भी मुझे सोफ़ा बनाना है, तो ये सब कुछ लिख लिया था। कुछ लेस वगैरह लानी है, गणगौर के कपड़े बनाने, तो वो सब कुछ लिख लो ना तो ध्यान रहता है, फिर मैं टिक लगाती रहती हूँ और पता चल जाता है कि हाँ ये हो गया और ये हो गया। तो बस अभी मेरे पास टाइम था तो खाली समय का सदुपयोग मैंने सोचा कर लेते हैं। और ये मेरे पास कुछ पेंट पीस वगैरह रखे थे जो कि मैं काफ़ी दिनों से इन पे पेंटिंग करने की सोच रही थी, क्योंकि शादी ब्याह में आ जाते फिर ये बनवाते तो है नहीं टेलर से, क्योंकि ये रेडीमेड ही पहनते हैं, तो इनका फिर करूँ क्या। तो मैंने सोचा चलो ये कपड़ा भी थोड़ा सा भारी होता है तो इसका टेबल कवर बनाते हैं, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने बिछा के देखा है, इसका साइज़ वाइज ले लेंगे, इसमें टेलर चौक से मार्क कर लेंगे कि कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या करना है। वैसे तो मुझे ब्लॉक्स जो मैंने मंगवाए थे उससे करना था, बट मेरे पास अभी ब्लॉक प्रिंटिंग के कलर नहीं थे, तो जब तक कलर उनके नहीं होंगे तो प्रॉपर ब्लॉक्स वो बनते नहीं हैं इस पर। और ये कपड़ा भी फिर वो कॉटन नहीं है, ये तो मिक्स है। तो पेंटिंग तो करूँगी एक्रेलिक कलर से ही करूँगी, लेकिन सब्जियों से ब्लॉक प्रिंटिंग कर दूँगी। 1.5 साल पहले भी मैंने आपको एक कुशन कवर बना के बताए थे प्याज से, उस टाइम पे मेरे पास बड़ा प्याज था वो और अच्छे फूल उभर के आए थे। और कपड़ा भी शर्ट पीस था, ये पैंट पीस है और डार्क कलर है। लाइट कलर होता है तो उसमें बहुत सारे कलर हम कर सकते हैं, लेकिन डार्क कलर था तो इसमें मैं वाइट कलर से ही करूँगी। तो टेलर चौक रखी थी, उससे अपने हाथों के अंगुल से थोड़ा सा मैंने मार्क कर लिया है कि चारों तरफ छोटे छोटे फूल बना दूँगी, बीच में एक फूल बना दूँगी। तो इसी तरीके से ना मैं जो है समय का जो है सदुपयोग कर लेती हूँ जब जब मेरे पास टाइम होता है। तो एक दिन पे, आज के दिन पे मैंने 3 वीडियोस भी निकाली ताकि मुझे अगले 1 या 2 दिन थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो घर का काम करके सारा फिर थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है, फिर ये सब कुछ भी कर लेती हूँ, 1 से 2 वीडियो निकाल लेती हूँ तो हो जाता है, फिर यूट्यूब का काम भी रहता है, तो फिर इसी तरीके से मैनेज हो जाता है सब कुछ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रेस्ट नहीं लेती हूँ, रेस्ट भी ले लेती हूँ प्रॉपर, और एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, दिन में 2-3 वीडियोस निकल जाती हैं, घर का भी सारा काम हो जाता है तो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को कट कर लिया है, इसमें मैंने व्हाइट कलर एक्रेलिक कलर लगा दिया है ब्रश से, और बस अब इसे कपड़े में रखना है तो ब्लॉक प्रिंटिंग जो है हमारी हो जाएगी। तो 3 फूल मैं बनाऊंगी और बीच में थोड़ा सा गोल थोड़ा सा बड़ा फूल बना लूँगी। एक बार हाथ पे मैं करके आपको शेप बता रही हूँ कि इस शेप का कुछ आ जाएगा, बट ये कॉटन का कपड़ा नहीं है इसलिए इसमें प्रॉपर उतना नहीं आएगा, डबल कोट मैं करूँगी। जब सारा हो जाएगा तो उसमें वापस से कलर लगा के प्याज पे वापस से इनके ऊपर करूँगी। पेंटिंग प्रॉपर वाली भी मुझे आती है क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा है, बट उसमें लट्ठे वाला कपड़ा चाहिए
कॉटन का कपड़ा चाहिए तो बहुत अच्छी पेंटिंग होती है, बट ऐसे मिक्स कपड़े जो होते हैं उसमें पेंटिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि फैलता है, कलर फैलता है मिक्स में। तो वो भी मैं कभी बताऊंगी, एक कॉटन का कपड़ा लो कैसे कैसे शेडिंग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रोक्स कर सकते हैं, तो ऐसे ही वीडियोस के थ्रू ही मैं बता दूंगी जिसको भी अगर देखना है तो। तो यहाँ पे बस इस तरीके से मैंने सारे ब्लॉग्स बना दिए थे। अभी वापस मैं ट्राई कर रही हूँ कि हाँ मैं डेली वीडियोज़ डाल पाऊँ। कुछ लोग बोलते हैं डेली वीडियोज़ डालो, एक्चुअली मेरी नोटिफिकेशन जाती नहीं है वीडियो की, इसलिए तो वीडियो कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि मैं डेली डालूँ, लेकिन हाँ टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो रही है, तो इन सब का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अभी कई कुछ लोगों ने पूछा था कि बीच बीच में गायब कहाँ हो जाते हो, तो वो भी बताऊँगी बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हूँ। तो अभी वापस मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है काम, तो डेली डालना होता है यूट्यूब में, उसी टाइम पे डालना होता है, तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन अभी प्रॉपर उसी टाइम पे नहीं जा रहा है, कभी मेरा 5 बजे जा रहा है तो कभी 2 बजे जा रहा है, कभी मैं 11 बजे ही डाल देती हूँ, तो ये सब कुछ का भी फ़र्क पड़ता है। तो वो वापस रूटीन में लेके आएंगे, क्योंकि जब आप गैप लेते हो, गैप करते हो, तो आपको नुकसान भी होता है इसलिए तो वीडियोज़ में कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं डेली डालूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पतली वाली ब्रश रखी थी, तो उससे इस तरीके से कुछ मैं ड्रॉ कर दूंगी, तो ये चार तरफ इस टाइप की डिज़ाइन हो जाएगी, और बीच में वो गोल वाली मैंने कर दी। अब फिर मैं वाइट कलर की नेट की लेस लाकर भी इसमें लगाऊंगी, तो इसमें और थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे पुराने बेकार कपड़े रखे हों तो उसमें आप कर सकते हो, कोई बेडशीट प्लेन पुरानी रखी हो उसमें प्रेस करके आप इस तरीके से उसको नया लुक दे सकते हो, आपको सूट कोई प्लेन पुराना रखा है तो उसको नया लुक दे सकते हो, आप टी शर्ट को नया लुक दे सकते हो, ठीक है, आपके पास कोई प्लेन साड़ी हो तो भी इस तरीके से नया लुक दे सकते हो, और आप कई तरीके के कवर बना सकते हो, कुशन कवर बना सकते हो, सोफ़ा बैग बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आपके पास घर में जो भी सब्जी हो, भिंडी हो, करेला हो, शिमला मिर्च हो, प्याज को गोल कट करके भी बना सकते हो, आलू पे डिज़ाइन करके भी बना सकते हो, तो इस तरीके से आप ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हो और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ही किया था, और ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, कब का है मे बी मुझे भी याद नहीं है। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।